उत्तम वे एक यक्ष के द्वारा मार दिए गए कुबेर ने के ऊपर बदला लेने के लिए जब ध्रुव ने आक्रमण किया, इन्होंने 13 अयुत यक्षों का वध किया। स्वयं मनुष्य उपस्थित हुए और कहा बेटे ये क्या कर रहा है, देख द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मश्चक्र विदा। कलयुग के निवास के चार स्थान हैं, द्यूत पान, स्त्री संग और जीव हिंसा। यदि जीव हिंसा करेगा तो ये सतयुग का समय है और इस समय कलयुग का आचरण कर रहा है, ये उचित नहीं है, भगवत भजन के अनुकूल नहीं होगा, इसलिए इस जीव हिंसा को बंद कर दें। श्री स्वयं मनु के कहने पर कि ये नरक के स्थान है, कलयुग के स्थान है और कलयुग के द्वारा अंत में कला से नरक की प्राप्ति होगी, ये जब उपदेश प्राप्त किया तो इस उपदेश को प्राप्त करके ध्रुव ने तुरंत ही युद्ध समाप्त कर दिया। कुबेर की तो आंखें भट्टासन की खुल गई कि ओहो ये भक्त का ही स्वभाव हो सकता है कि वह जीते हुए युद्ध को भी बीच में रोक दे और स्वयं मुझसे मित्रता करने के लिए आ जाए। देखो युद्ध का तो विजय उल्लास मनाना चाहिए, युद्ध में विजय होने पर तो विजय यात्रा विजय जुलूस निकालना चाहिए, पर ध्रुव ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके विलंब होकर के मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, मुझे चढ़ा नहीं रहे हैं, मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये भक्ति की ही अत्यंत अत्यंत उदारता है। कुबेर बोले जो तुझे चाहिए वो वरदान मांग। ध्रुव ने वरदान मांगा कि सर्वे कामान कामाय मेयम कामेश्वरो वैश्रवो ददातु। हे विश्रवा के पुत्र, सर्वे कामान आप मुझे कामना प्रदान कर रहे हैं, कामना मांग रहे हो, बोले कामना का तात्पर्य है सेवा की कामना, निरंतर निरंतर कृष्ण सेवा या इस अभिलाषा को मैं धारण करना चाहता हूं। हरम सर्वप्रे अचल काम स्मृति, यह भगवान में अचल स्मृति वही श्री ध्रुव ने कुबेर से मांगी है। कुबेर ने आशीर्वाद प्रदान किया, कृष्ण कृपा कृष्णाधीन है, अन्य लोग अन्य देवता आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। ध्रुव बन में पधारे, जय भी है पाश्री समुद्र नारक जो पार्षद है वे उस समय आए भगवान के विमान को लेकर के। श्री ध्रुव ने जो देखा कि भगवान के संदन नंदन इत्यादि पार्षद यहां पर उपस्थित हैं, इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। न नाम नामान ग्रहण मद दिशा, भगवान के नाम को ग्रहण करते हुए प्रणाम किया। ये वैश्य विधान है कि यहां केवल हाथ जोड़ने मात्र से ही प्रणाम पूरा नहीं होगा, प्रणाम करने में इष्ट का नाम भी लेना चाहिए। सो जय नारायण, जय गोपाल, जय हरि, ऐसा कहकर के इन्होंने प्रणाम किया, इष्ट स्मरण करते हुए प्रणाम किया। सुनंद नंद दोनों पार्षद बोले बोले ये विमान आया है इस पर बैठो। ध्रुव बोले कि मारे विमान में बैठ, ये शरीर तो गिरे तब विमान में बैठो। उन्हें नहीं नहीं, वैष्णव का शरीर स्वयं ही चिन्मय हो गया। प्रभु कहे वैष्णव देह प्राप्त कहू न हो, अप्राकृत देह भक्त चिदानंद है, भक्त का जो शरीर है वो अप्राकृत है चिदानंदमय है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण काले करे आत्मसम, भक्त का शरीर चिन्मय उसी समय हो गया जैसे ही उसने दीक्षा ग्रहण की, स्पर्श मन न्याय से उसका शरीर चिन्मय हो गया। अब जो ये भजन करेगा त्यो त्यो चिन्मय शरीर के लक्षण बाहर प्रकट होने लगेंगे।
और कभी कभी ऐसा होता है कि चिन्मय शरीर के लक्षण परिपूर्ण रूप से बाहर प्रकट हो जाते हैं। व्यवहार में सामने देखने में आता है, प्राय जो संतगण है किसी भी डॉक्टर से पूछ लो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, जब आदमी देखते हैं प्राय भले कर दो डायबिटीज उनकी बढ़ी रहती है और उनका वो डायबिटीज ब्लड प्रेशर उनके शरीर को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, शरीर के संविधान में ही वह ऐसा आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो सामान्य जो जन और भगवत भजन करने वाले जो तपस्वीगण हैं उनके शरीर में कहीं ना कहीं अंतर अपने आप आ जाता है, चिन्मयता के कुछ लक्षण कहीं यथावस्थित देह में भी प्रकट होने लगते हैं। दो प्रकार के देह हैं, एक प्रकार का देह है वो है यथावस्थित देह, दूसरा देह है वो है अंतश्चिंत देह। श्री रूप कविराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि वीणा और गैरक इन दोनों का जब मेल हो जाता है तो राग प्रकट होता है। जो संगीतकार है उसके हृदय में जो संगीत है वो संगीत ही यदि इंस्ट्रूमेंट में है ताल में तो हृदय का संगीत उस वीणा में बजेगा और वीणा यदि हृदय से मिली हुई है तो वीणा में उसने जो राग निकाला है वह राग उसके हृदय को छोड़ वीणा वैरतियों ऐक्य यथा देहस्थी उनकी कायदा है कि वीणा और वैरत ये दोनों एक होने चाहिए। इसी प्रकार साधक का यथावस्थित देह और साधक का अंतश्चिंत देह जब एक हो जाता है तो उस समय यथावस्थित देह की सेवा निकुंज में पहुंच जाती है और निकुंज की लीला का स्मरण उनके चिन्ह उसके यथावस्थित देह में बाहर प्रकट होने लगते हैं। उसके भाव के अनुसार ठाकुर जी के स्वरूप में भी वो ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं, स्वरूप में भी शिव घर में भी। हमारा पुराना घर उसके बगल में ही राघव जी मंदिर के पास में आनंदीबाई का मंदिर है और आनंदीबाई जी ये अमृतसर की रहने वाली थी, किसी काम से कलकत्ता गई, पुजारी से गई ठाकुर जी की सेवा करना, पुजारी सेवा कर रहा है, एक दिन जाने के दिन ये ऐसे सरस्वती के दिन है ठाकुर जी को उड़ाना भूल गया और उनको कलकत्ता में पता लग गया, सब काम छोड़ छोड़ करके तुरंत ही दूसरे तीसरे दिन तो पहुंच गए और पुजारी को डांट रही है तूने मेरे ठाकुर जी को उड़ाया नहीं, मेरे ठाकुर जी को जुकाम हो गया और सचमुच देखा शिव ग्रह जो है उनके नाक से रैक बह रही है, बरबर नाक बह रही है शिव ग्रह उनके वो लक्षण प्रकट हो यहां से देख तो ठाकुर जी के भी जो स्वरूप है उसमें भी चिन्मयता के लक्षण कहीं चिन्मय ही है वो तो स्वरूप परंतु उसमें चिन्मयता के लक्षण कहीं सामने प्रकट हो गए, अपना सब काम का छोड़ कर चल गया। ऐसी अंतश्चिंत देह और बाह्य देह इन दोनों में जो एकता एक रूपता है वो एक रूपता सदा सदा बनी ही रहती है। तो श्री ध्रुव बोले मेरा शरीर तो मेरा नहीं है, सुंदर निंदा के पास बोले बोले नहीं नहीं तुम्हारा भजन करते करते ये शरीर ही चिन्मय हो गया, ये तो भक्तों की दीनता है। श्री गुरुजन आचार्यगण वृद्धावस्था में मृत्यु के पूर्व लीला करने के पूर्व कहीं उनमें रोग चिंता आदि जो दिखते हैं वो केवल वे अपने स्वरूप को छिपाने के लिए
दीर्घा में वे स्वीकार करते हैं हम लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए शिष्यों को वे ऐसी लीला करते हैं तत्वता उनके स्वरूप चिन्मय होकर के ही विराजमान। इसका प्रमाण है, एक प्रमाण के द्वारा दिखा दिया कि वैष्णव का देव प्राकृत नहीं है, ध्रुव का देव, ध्रुव उसी देव से चिन्मय हो गए, देह त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अनेक अनेक जो भक्त हैं, भगवत स्वरूपों की बात क्या नहीं हो, परंतु अनेक अनेक जो भक्त हैं उन अनेक अनेक भक्तों के भी देह नहीं मिले और उनके देह ही चिन्मय हो गए। पिछली बार देखिए आए हैं श्री देवभूति, उनका शरीर नदी के रूप में परिणत हो गया। श्री महाप्रभु के भी प्रकरण में जो प्रभु और महाप्रभु उनकी में तो भगवत स्वरूप ही है, नित्यानंद प्रभु संकीर्तन में अंतर्धान हो गए, श्री महाप्रभु कवि टोटा गोपीनाथ ने कवि एक ही काल में तीन जगह दर्शन किए, टोटा गोपीनाथ ने, किसी ने समुद्र में अंतर्धान होते हुए देखा, किसी ने श्री जगन्नाथ शिव ग्रह उनमें अंतर्धान होते हुए महाप्रभु को देखा, स्वरूप महाप्रभु। श्री अद्वैताचार्य भी इसी प्रकार संकीर्तन में अंतर्धान हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो आचार्य है, ये तो भगवत स्वरूप ही है तीनों, परंतु अनेक अनेक आचार्यों के स्वरूप भी ऐसे दिखते हैं। मीराबाई श्री द्वारकाधीश में अंतर्धान हो गए, लीन हो गई, पता ही नहीं था। तो संतों के स्वरूप प्राकृत नहीं है, वे चिन्मय ही है और चिन्मय होकर के वे विराजमान हो जाए। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय स्नान कर रहे हैं और उनका शरीर दूध की बन करके गंगा जी में लीन हो गए, शरीर धो रहे और धोने के साथ साथ शरीर जलता को चला गया और समाप्त हो गया। तो परम परम दिव्यता संतों के चरित्र में सही रूप में ही प्रकट है। श्री ध्रुव ने भी उसी देह से, देह त्याग नहीं किया, उसी देह से ये भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। श्री पहले ध्रुवलोक में विराजमान हुए, आज तक विद्यमान है, फिर भगवत स्वरूप को प्राप्त करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हुए विराजमान हुए। ध्रुव की इस महिमा का गायन श्री नारद जी भी प्रचेताओं की सभा में कर रहे हैं। प्रचेता जरूर परम भागवत होंगे, इसीलिए उनकी सभा में ये गायन किया गया। श्री ध्रुव के वंश में अंग भारत उत्पन्न हुए, अंग भारत की कोई संतान थी नहीं। जब इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया उससे इनके एक संतान उत्पन्न हुई वेद, परंतु नाना मामा का प्रभाव उस वेद में आया। व्यक्तित्व के निर्माण में पर्यावरण और वंशांश संक्रमण दोनों समान रूप से प्रभावशाली होते हैं। वंशांश संक्रमण में माता पिता का, माता का अंश भी आता है और पिता का अंश भी आता है, इसलिए नाना नानी का अंश आने पर वो बालक स्वभाव से ही कहीं अधार्मिक हुआ, परंतु मूल रूप तो परम चिन्मय तपस्वी श्री अन्न महाराज का अंश उसमें विराजमान है। श्री अन्न महाराज जब उसको ही राजगति प्रदान करके बंद गए, एक दिन सारे ऋषियों ने अन्न को वेद को समझाया, बोले राजन तुम यज्ञ करो या मत करो, पर प्रजा को यज्ञ करने से मत रोको। राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करे। वेद को हंसते हुए बोला, बोले मैं तो राजा हूं, सारे ऋषियों ने काम में उंगली लगा ली, बोले जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, जो अपने आप को कहे कि मैं ईश्वर हूं तो आप अपराध नहीं है, आप पर प्राकृत ऋषि बनेगा। भगवान के शरीर को अपने शरीर का मानना और अपने आप को भगवान मानना ये महा अपराध। इसलिए
सब एकदम घबरा गए। जो हूं की सोई मार्कर के नीचे गिरा है। वेद पृथ्वी के जब इनके शरीर को मथा गया, शरीर को मथने पर उससे पहले काले काले पुरुष उत्पन्न हुए और फिर उसके बाद में एक जोड़ा उत्पन्न हुआ श्री पृथ्वी महाराज अर्ची महारानी। इनका जोड़ा उत्पन्न हुआ है श्री पृथ्वी महाराज। उनकी महिमा का गायन सारे ऋषि कर रहे हैं, सूत मार्ग बंदे कर रहे हैं, बोलिए अश्वमेध यज्ञ करके भगवान की ही आराधना करेंगे। श्री पृथ्वी महाराज की जिस समय महिमा का गायन किया उसने यथोचित सत्कार सत्कार किया है। एक दिन प्रजा इनके पास में आई और कह रही है राजन जठरे राम दत्ता, हे राजन हम भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। पृथ्वी महाराज जान गए कि सारा दोष पृथ्वी का है, तो पृथ्वी को दंड देने के लिए जो आए पृथ्वी शरणागत हुई। पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी को क्षमा दान किया। राजा का ये कर्तव्य है कि वह प्रजा की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करे, हो सके तो उनको आराम दे आवश्यकता है कंफर्ट्स वो भी प्रदान करे, फिर लग्जरी से प्राप्त होना ये बात की बात है। श्री पृथ्वी महाराज ने जिसकी जो एसेंशियल मूल में जो अभिलाषाएं थी जीवन रक्षा के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबको यथोचित आवश्यकता पूरी कराई, ये राजधर्म है। श्री पृथ्वी महाराज ने मनु को बछड़ा बना करके अंजलि पात्र में औषधि रूपी दूध को धो दिया है। सिद्धों ने कपिल देव जी को बछड़ा बना करके हृदय रूपी पात्र में सिद्धि रूपी दूध को धो दिया। जितने भी दैत्य थे उन्होंने प्रहलाद को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में मदरा रूपी जो दूध है उसको धो लिया। जिसकी जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनको पृथ्वी महाराज ने सबको पूरा किया है। मन में विचार किया कि यदि मैं यज्ञ करूंगा तो प्रजा भी यज्ञ करेगी, इसलिए इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का जो नियम लिया 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वें अश्वमेध में इंद्र बाधा डालने लगा। कभी जटाधारी का वेश धारण करके अश्वमेध के घोड़े को चुरा करके ले जाए, कभी किसी कालिक का वेश धारण करके आए घोड़े को चुरा करके ले जाए। राजकुमार घोड़े को जीत करके लाए इसलिए उनका नाम विजयदासी हुआ। पृथ्वी महाराज को गुस्सा आया, जो इंद्र को भस्म करने के लिए इन्होंने श्रम में घी भरा और आहुति दे, ब्रह्मा स्वयं आए और हाथ पकड़ करके बोले कि नव देव भवता इंद्र यद्यो भगवतन, कि इस समय प्रथम सृष्टि है, ये सतयुग की बात है। पृथ्वी महाराज ये सतयुग की लीला चरित्र है और इस समय ऐसा कोई जीव नहीं मिला है जिसने 100 जन्म तक सत्कर्म किए हो या जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो। इसलिए यदि कोई ऐसा जीव नहीं मिलता है तो उस समय भगवान स्वयं ही उस लोकपाल का रूप धारण करके विराजमान होते हैं। 100 जन्म तक यदि कोई स्वधर्म का पालन करे तो ब्रह्मा बन जाता है पुण्य के द्वारा, 100 अश्वमेध यज्ञ करे तो वो इंद्र बन सकता है, परंतु ऐसा कोई जीव मिला नहीं था इसलिए भगवान ही इंद्र बने। परंतु पद की विशेषता दिखा रहे हैं कि पद की ऐसी विशेषता है, ये राज्य का ऐसा दोष है कि भगवान भी यदि इंद्र बने और उस पद के ऊपर विराजमान हो तो भगवान ने भी ईर्षा द्वेष प्रतिस्पर्धा
ये दोष आ सकते हैं। और इंद्र भी भगवान के अंदर बने हुए हैं, ये भगवान भी पुत्र महाराज से कहीं ईर्ष्या करके उनके यज्ञ में बाधा डालते रहे। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा नवदेव भवता मिंद्रा, बोले आपके द्वारा इंद्र को मारना यह उचित नहीं है, यज्ञ क्यों करो, क्योंकि इस समय यज्ञ भगवान ही इंद्र बन करके विराजमान है, परंतु ये संघ का प्रभाव है, इस गद्दी का प्रभाव है, इंद्र की गद्दी का, कि वे तुम्हारे साथ में ईर्ष्या कर रहे हैं, तुम्हारी कीर्ति तो सर्वत्र विख्यात है, भगवान ने मुझे ये कह करके भेजा है कि तुम यदि अपने यज्ञ को अधूरा भी छोड़ दोगे तब भी तुमको यज्ञ का फल पूरा है, तुम कृष्ण सेवा के लिए यज्ञ कर रहे हो, वो कृष्ण कृपा तुमको पहले ही प्राप्त हो चुकी है, स्वर्ग के लिए तो यज्ञ कर नहीं रहे हो, इसलिए इस यज्ञ को विश्राम प्रदान कर, तुम्हारी कीर्ति शतकृत कीर्ति या सर्वत्र पहले से ही विद्यमान है। श्री पृथ्वी महर्षि उनने यज्ञ समाप्त किया, इंद्र को साथ में लेकर के जो यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, इंद्र से कह रहे हैं कि एष ते काशी भंगम हरिवेद सदस्य जो, बोले पृथु ये इंद्र आ गया है जिसने तेरे सोमे अश्विन दिन में बार बार विघ्न डाला, इंद्र से कह रहे हैं इंद्र गिर चरणों में, जो इंद्र चरणों में गिरना चाहे पृथ्वी महाराज ने इंद्र को हृदय से लगा लिया है, इसे क्षमा कर दिया है, इंद्र की तो आंख हो गई, बोले वैष्णव में ही इतनी उदारता हो सकती है, किसी दूसरे में ऐसी उदारता नहीं हो सकती है, परम आनंदित हुए हैं। अब पृथ्वी की पूजा अर्घ दे रहे हैं, अर्घ पात्र दे रहे हैं, आदि भगवान कह रहे हैं पृथु अरे जल्दी से वरदान मांग, पृथु कह रहे हैं बोले महाराज जब पूजा पूरी हो जाए, लष्टम पष्टम पूजा पूरी हुई, श्री पृथु महाराज पुष्पांजलि प्रदान करके जब हाथ जोड़ करके खड़े हुए स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि बाण विभो परदेश्वरा बुधा कथम प्रणीते गुण क्रियात्मना नारकाणाम अपसंध देहिनाम तामीश कैवल्य पते प्रणे नते नचो, बोले हे कैवल्य पते मैं उन विषय भोगों को नहीं चाहता हूं जो आज है कल नष्ट हो जाए, जहां कैवल्य पते कहा मन ने विचार आया कि ये क्या मोक्ष चाहता है क्या, जहां मोक्ष की विचार आई एकदम घबरा गए, दोनों हाथ पीछे करके बोले कि न कामे नाथ तदप हम बचे, बोले महाराज मुझे मोक्ष को कभी चाहिए ही नहीं, भगवान बोले इतना मोक्ष से क्यों डरता है, बोले यदि द्वैत नहीं रहेगा तो सेवा कैसे होगी, बिना द्वैत के सेव सेव भाव के सेवा नहीं बन सकती है, इसलिए महाराज मैं कैवल्य भाव चाह रहा हूं, कैवल्य का तात्पर्य है केवल भक्ति का भाव चाह रहा हूं, ज्ञान कर्म से अनात्मा तुझे भक्ति है उसका नाम केवला उत्तमा शुद्धा एका, ये सब शुद्धा भक्ति के नाम है, वो कैवला केवला भक्ति में चाहता हूं, उस केवला भक्ति के भाव का नाम है कैवल्य, उसी कैवल्य के आप स्वामी वो भक्ति मुझे प्रदान करे शुद्धा भक्ति, भगवान बोले वो भक्ति तुझे है क्या चाहता है, मेरे हृदय में वो कंठा और ज्यादा बढ़े विवत्स करुणान्विते बला कृष्ण कथा श्रवण करो, श्रवण की निष्ठा ऐसी भारी है, श्रवण की रुचि कह रही है मुझे 10,000 काम मिले, भगवान बोले इसमें कौन बड़ी बात है, जो मैं ऐसे कह दूंगा काम के ट्रक के ट्रक बुग्गी की बुग्गी तेरे यहां खल जाएंगे, तुमने बेटा पेट में भी काम और पीठ में भी काम सिर पे भी काम और पैरों में भी काम सब जगह काम ही काम हो जाएंगे, बोले महाराज आप
वरदान देने आए हो क्रूर करने के लिए। काम तो मेरे दो ही रहे, पर इनमें ऐसी सामर्थ्य दे दो कि 10,000 योद्धे पर भी यदि कृष्ण कथा होती हो तो उसको भी सुन। भगवान लीजिए तो ये जो सेवा की उत्कंठा है ये ही मुख्य वस्तु है। बोले ये कोई वरदान नहीं हुआ, यह वो भक्ति का स्वभाव है। भक्ति में कभी भी भक्त में आत्मा रामता पूर्ण कामता नहीं आती। ज्ञानी आत्मा रामता पूर्ण कामता को बुलाता है, उसकी भावना करता है, धारणा करता है, अनुभूत अभाव भी ब्रह्मास्मि के प्रभाव मैं पूर्ण हो गया हूं इसकी भावना करता है ज्ञानी। जबकि भक्त में जितनी जितनी भक्ति बढ़ती है क्यों क्यों उसके हृदय में तृष्णा, उसके हृदय में अभिलाषा और अधिक बढ़ती है। तो मेरे हृदय में तेरे हृदय में वो ही अभिलाषा बढ़ रही है। ये वरदान नहीं है, वरदान भक्ति का फल भक्ति ही है। इसके श्री प्रथम हरे में दूसरा वरदान मांगा कि मरे यदि वरदान दे रहे हो तो चला महालक्ष्मी जी से पूछ लेना। भगवान तो हंसे, तूने क्या मुझे संसारियों जैसा समझ रखा है कि जो चले वो मालकी भी चले मालिकी भी चले, उतनी हमारी शुरुआत नहीं है। आपने किसी को कोई सेवा दे रखी है और उससे यदि वो सेवा ली जाए तो उसको कहीं दुख नहीं हो। वो चाहता क्या है सीधा सीधा बता। श्री पृथ्वी बोले कि जैसे लक्ष्मी जी आपके चरणों को पवित्रती हैं, इसी प्रकार मैं भी आपके चरणों को दबाऊं। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, दो चरण हैं, एक चरण लक्ष्मी एक चरण तो बोले हमारे स्वाद नहीं आएगा। बोले चाहता क्या है, बोले कोनी का खेला मार करके लक्ष्मी जी को तो दूर सरकार हूं और आपके दोनों चरणों को अपनी गोदी में रख करके मैं धीरे धीरे पलोट हूं। सुमारे लक्ष्मी के साथ में कभी छीना झपटी हो जाए, धक्का मुक्की हो जाए, आप रात नहीं मारोगे। भगवान बोले लक्ष्मी रूठती है तो रूठ जाए, मेरे भक्त नहीं रूठने चाहिए। जाए दुर्लभ वरदान भी मैंने तुझे प्रदान किया। पृथ्वी महाराज को नाचने लगे, भक्ति का फल भक्ति है ये दिखलाया। भक्त सेवा करके, सेवा के अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं चाहता, वह भक्ति ही चाहता है। नहीं तो भगवान भोग मोक्ष देकर के अलग हट जाएंगे और भक्ति भोग मोक्ष को प्राप्त होने के बाद में लुप्त भी हो सकती है। इसलिए सेवा का फल सेवा ही जानना चाहिए। श्री पृथ्वी ने सारी प्रजा को उपदेश दिया और उपदेश देकर के अंत में जब तप कर रहे हैं कैसे हठियों को भी भक्ति का अंग बनाया जा सकता है, इस पद्धति को दिखा रहे हैं। भक्तों की पद्धति नहीं है, परंतु कभी कभी कृष्ण विरह की व्याकुलता इतनी होती है कि भक्तगण वस्तु को जल्दी से प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न लाघव है उस प्रयत्न लाघव पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए अन्य साधनों को भी भक्ति का अंग बना लेते हैं। महाराज के हृदय में व्याकुलता है, हाय कब कृष्ण मिलेंगे, इतना समय हो गया कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, कब कृष्ण मिलेंगे, जहां ये देह छूटे कब मैं उनके सेवकों की देह को प्राप्त करके विराजमान हूं। ये व्याकुलता जब उत्पन्न हुई सो ही श्री पृथ्वी महाराज के पास में इच्छा मृत्यु नामक सिद्धि उपस्थित हो गई। जैसे ज्ञानियों में सिद्धि होती है इच्छा मृत्यु, विष्णु पितामह को जैसे वरदान के द्वारा मिली वो सिद्धि इनके पास में उपस्थित हो गई। और वे सिद्धि एक कर्मठ पुरोहित की तरह से कहने लगी, गुरु महाराज यदि जल्दी से वस्तु प्राप्त करते हो तो
जागृत करके ब्रह्मरंध्र में के द्वारा प्राणों को कैसे त्याग किया जाए वो हाथियों की पद्धति का पृथ्वीराज को उपदेश कर दिया। कृष्ण चरणारविंद का ध्यान करते हुए पृथ्वीराज ने जहां अपने देह का त्याग किया है पति के देह को शीतल देख करके रानी व्याकुल हो गए, विलाप करने लगी है, पति के साथ में अनुगमन करते हुए भगवत धाम को पधारी। यहां पर हड्डियों को अपनाना ये लक्ष्य नहीं है, मूल लक्ष्य जो है वह है कृष्ण वियोग में प्राप्त कोई भी साधन उसको भक्ति का कैसे अंत बना दिया जाए, यह एक पद्धति इन्होंने दिखा। एक वैष्णव दान यज्ञ तीर्थ यात्रा श्राद्ध पुण्य जो कुछ भी कर रहा है उस सबका फल क्या चाह रहा है, नंदलाल ने कहा कि रति में कृष्ण ईश्वर है, हमारी रति कृष्ण में हो, हमने संसार में भ्रमण करते हुए हम जहां जहां भी जाएं वहां पर श्री कृष्ण में हमारी रति हमारे सारी चेष्टाएं हो, यही दिखाना यहां पर लक्ष्य बनाए। तो ये गृहस्थियों के लिए भक्तों के लिए उपदेश भी दिया कि उनको कभी भगवत आज्ञा के अनुसार अन्य कार्य भी करने पड़े तो उनको भक्ति का अंग कैसे बनाया जाए। पृथ्वीराज ने हड्डियों को भी भक्ति का अंग बना करके उसके द्वारा कृष्ण सेवा को ही चाह। अनेक अनेक ऐसे वैष्णव भी हुए, आचार्य भी हुए जिन्होंने योग को भी भक्ति का अंग बना करके प्रस्तुत। श्री पृथ्वीराज उनके चरित्र को जो श्रवण करेगा वो संपूर्ण पृथ्वी की जो पदवी है उसको ही प्राप्त करेगा। पृथ्वी के वंश में ही बरेशत नाम करके एक पुत्र उत्पन्न हो गए। पिता तीन प्रकार के, एक है वरिषत, दूसरे है सोमक और तीसरे है अग्निश्वात। अग्निश्वात वे हैं जो माता पिता समाप्त हो गए, पिता समाप्त हो गए और अग्नि को जिनको समर्पित कर दिया गया वे है अग्निश्वात। उनके स्वामी होते हैं श्री यमधर्मराज। यदि पापी हैं तो यमधर्मराज उनके कोई भी है, एक बार तो श्री रतन राज उनको शासन देंगे, स्वर्ग भेजना।